बच्चों के मन में संस्कारों का बीजारोपण करना सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा जगहों पर सरस्वती संस्कार केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहीं आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय पंडित लखनलाल मिश्र की पुण्य स्मृति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर पुरेंद्र सक्सेना ने रायपुर से लगे सारा गांव में सरस्वती संस्कार केंद्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पहले से ही संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र मूरा समेत कई केंद्रों में जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, वहीं उन्हें महान भारतीय परंपराओं का ज्ञान दिया जाता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बच्चों को संस्कार से सुसज्जित करने लोगों का उत्साह भी देखा जा रहा है। साथ ही पहले से संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र में लोगों की उत्सुकता को भी सबने सराहा। सारा गांव और इसके आसपास के गांव पवनी, मोहरेंगा, इन क्षेत्रों में और छोटे बालक बालिकाओं के लिए संस्कार केंद्र की शुरुआत हुई है। विद्या भारती उसमें अपना योगदान दे रही है, परंतु प्रमुखतः अंचल के स्थानीय लोग, विशेषकर गणेश शंकर जी मिश्रा और इस कस्तूरबा ट्रस्ट के ट्रस्टी, ये सब लोग मिलकर एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। संस्कारों का बना रहना किसी भी समाज की और स्थायित्व के लिए आवश्यक है। उनके नैतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्कार, उसकी परिपुष्टता के लिए एक प्रयास चल रहा है और विश्वास है कि इस क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। यह क्षेत्र पहले भी राष्ट्रीय भाव जागरण में स्वतंत्रता के पहले से ही काफ़ी सक्रिय रहा है। वह स्व का भाव इस क्षेत्र में अपनी जड़ें और मजबूत करेगा। इस भाव के साथ ये संस्कार केंद्र चालू किए जा रहे हैं। हमारे ग्राम मूरा में संस्कार केंद्र खुला है और हमारे बच्चे जो है संस्कार केंद्र में जा रहे हैं और बच्चे लोग को जो रामायण है, भागवत है, गीता है, वेद है, पुराण है, हमारे देवी देवता जो है उसके बारे में पूरा उनको संक्षिप्त में समझाते हैं और बताते हैं और जो है अपने बच्चे को संस्कार माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति या भैया भाभी के प्रति या छोटे भाई के प्रति किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से उसका इज्जत करना है, ये हमारे संस्कार स्कूल में सिखाया जाता है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस हो रहा है। जहाँ पे संस्कार केंद्र प्रारंभ हुए हैं, उनके पालकों ने, बच्चों के पालकों ने ये बताया कि जो बच्चे पहले मोबाइल देखते हुए समय निकालते थे, कहना नहीं मानते थे, वो बच्चे अब सुबह उठ करके माँ और पिताजी का अपना चरण स्पर्श करते हैं। तो मैं नहीं सोचता कि इससे बढ़ करके कोई अचीवमेंट या उपलब्धि हो सकती है। यही संस्कार का जो है परिणाम है और ये संस्कार उनके जीवन में आजीवन काम आएगा और उनका जो जीवन का जो नींव है वो मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।